दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत 10 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य, स्टोन क्रशिंग प्लांट आदि पर रोक लगी है। इसके अलावा कोयला और बायोमास ईंधन इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को भी 4 से 10 नवंबर तक के लिए बंद रहने का आदेश दिया गया है। वहीं दिल्ली में 15 अक्टूबर से ही सभी डीजल जनरेटर्स पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसका असर आज दूसरे दिन ही दिखने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा के आधार पर ये कह सकते हैं कि कल की तुलना में आज प्रदूषण का जो लेवल है वो कुछ कम हुआ है। आज का प्रदूषण का डेटा आपको बता दें, आज 2.5 लेवल जो है वो सुबह 8:15 आनंद विहार में करीब 267 था। वहीं PM10 आनंद विहार में 170 था। शाहदरा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2.5 PM जो है वो 228 था और PM10 263 है। सोनिया विहार की बात करें, PM2.5 311 था और PM10 है 337। वजीरपुर में है 351 PM2.5 और PM10 जो है वो 407 है। पूसा रोड की बात करते हैं, PM2.5 322, PM10 184। सत्यवती कॉलेज की बात करें, PM2.5 305 है, PM10 197 है। जहांगीरपुरी में PM2.5 277 और PM10 187। रोहिणी में PM2.5 285 है और PM10 है 200। कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है अदिति, थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी पूछ लेते हैं। कविता, हमने कल भी आपसे बात की थी, आप मास्क लगाकर खड़ी हुई थी, आज कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नंदिता, ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली वाले राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन कल के मुकाबले जो AQI है वो काफी बेहतर। आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त 370, नोएडा में 377 और गाजियाबाद में भी जो है 365 के आसपास AQI है। ये समझा जा सकता है जो हवा का स्तर खतरनाक पर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। इस वक्त मैं लोधी रोड पर हूँ और ये जो PM2.5 का लेवल इस पर लगातार बताया जा रहा है, इसमें भी राहत है। 213 के आसपास जो है इस वक्त PM2.5 का लेवल है। तो जो कोशिशें हैं, एक्शन प्लान का असर दिखने लगा है, लेकिन जो उम्मीद है क्लीन एयर की वो 10 नवंबर तक हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं EPC और सरकार प्रशासन, तो ये देखना होगा कि क्या स्तर में सुधार होता है। और एक तरह से राहत इसलिए भी है क्योंकि ये लेवल नीचे आने के पीछे जितने भी निर्माण कार्य हैं वो पूरी तरीके से ठप है इस वक्त दिल्ली NCR में, और उसका सीधा असर इस पर देखा गया है जी। एक डाटा है जो टेरी का डाटा है वो ये बताता है कि न सिर्फ पराली जलाने को लेकिन कुछ हद तक दिल्ली NCR के लोग भी जिम्मेदार है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी कंस्ट्रक्शन वर्क की होती है, स्टोन क्रशर की होती है, और ये बंद करने से जो थोड़ी राहत है वो आज के डेटा में दिख रही है। चलिए, शुक्रिया कविता जानकारी देने के लिए। हालांकि अदिति, कल पहला दिन था ये ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करने का, और हमने देखा था बहुत सारे लोग इसको अबाइड नहीं कर रहे थे, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं थी, बट क्योंकि क्वालिटी सुधर रही है तो राहत की बात है। आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का ये स्तर बहुत अधिक खतरनाक और सबसे खतरनाक लेवल पर अभी भी है। PM2.5 अगर 200 से 300 के बीच है तो ये अधिक खतरनाक लेवल में आता है और इससे ज्यादा सबसे खतरनाक माना जाता है। फिलहाल हालात सुधरने में अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें ही इस तरफ हमें जल्दी पहुंचा देंगे।